नेक्स्ट है, विच इवेल्युएशन टेक्निक इज सूटेबल टू इवेल्युएट बिहेवियरल आउटकम। बिहेवियरल शब्द जो भी आता है उदो एक्सटर्नल फिजिकल मूवमेंट्स बिहेवियरल आउटकम ऑफ साइकोमोटर। साइकोमोटर है मीन के फिजिकल मूवमेंट। अपने सामने कोई भी बच्चा डेमोस्ट्रेट कर रहा है, ग्राउंड विच बच्चे खेल रहे ने, जां लैब विच एक्सपेरिमेंट कर रहे ने, क्लासरूम विच कोई काम कर रहे ने, नैचुरली है के साइकोमोटर कोई कम स्किल्ड वर्क किया जा रहा है। उसकी एग्जाम्पल एकदम सामने रखनी है, नैचुरली है जो मूवमेंट है इसनों इवेलुएट करना है ता मूवमेंट परफेक्टली की कर रही है, एरर कर रही है कि नहीं कर रही है, उदे लई असी आईज दा प्रयोग करांगे, देखांगे, है ना। हो सकता है किते तुहानू सुनना भी पवे, कन्ना दा प्रयोग भी करना पै सके। सो ये दो ज्ञान इंद्रियां जदों यूज हुंदियां तो उसनू कहंदे हैं ऑब्जर्वेशन। ओके, सो राइट आंसर सीधा साडे कोल सामने आ जांदा है, ऑब्जर्वेशनल। दूसरे क्यों गलत ने वो इत्थे देख लेना चाहिदा है, क्योंकि इहदे विच कोई भी कोगनेटिव नू जदों इवैल्यूएट करना है, नैचुरली है कि आइडियाज़ नू इवैल्यूएट किया जा रहा। आइडियाज़ कित्थे हो सकते हैं, जां तां आइडियाज़ शेयर किए जा रहे हैं शेयर, और जां आइडियाज़ जिहड़े है बुक विच्चों रीड किए जा रहे ने, है ना, जां आइडियाज़ कलैक्ट किए जा रहे ने। सो जे आइडियाज़ कोगनेटिव शेयरिंग है, शेयरिंग लई दो शब्द डिस्कशन आइडियाज़ शेयर होंदे है। सिंपोजियम नू समझना है तो वेरी ईजी, सिंपोजियम नू समझन लई सिंपोजियम वर्ड लिखिया मैं पी नू प्लैटो नाल। हालांकि प्लैटो बारे इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हाँ प्लैटो ने इस नू एजुकेशन फॉर्म विच लैके आंदा, जां इसके फादर भी कहा जा सकता है, पर मेन काम है प्लैटो दे ओ नू जां सिंपोजियम दे ओ नू चक के जो है ओपीनियंस होंगे सिंपोजियम विच। दूसरा है कि एक्सपर्ट्स द्वारा है, तीसरा है कि एक्सपर्ट्स की गिनती 4, 5, 6, 7 इस दे करीब होएगी, है ना। स्पेसिफिक इशू या सब्जेक्ट उस ते फोकस्ड होएगा। सो एक तरह की मीटिंग है, मीटिंग या एक टाइप ऑफ डिस्कशन है। डिस्कशन दी बाकी टाइप्स भी हैं, सेमिनार्स है, ओके, कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस बहुत लार्ज स्केल पर होंगी है, जिथे उ पांच एक्सपर्ट ने, जे इतने पांच एक्सपर्ट है तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा होएगी, सेमीनार च भी ऑडियंस ज़्यादा होएगी और सारे नू बोलन का मौका नहीं मिलता, लेकिन सिंपोजियम विच हर एक्सपर्ट नू बोलन का मौका मिल जाता है। पंजाबी दी प्रसिद्ध एग्जाम्पल जे सिंपोजियम की लैनी हो, इसका पंजाबी मीनिंग भी है, गोश्त भी कह देंदे हैं, सिद्ध गोश्त जो गुरु नानक देव जी दी मीटिंग, अच्छा मीटिंग शब्द भी हो जाता है, जो 5 एक्सपर्ट्स मिल रहे ने, नैचुरली है कि स्पेशल मीटिंग है, मीटिंग फॉर डिस्कशन, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस ते सेमिनार नालों वक्री हो गई है। हुण सिद्ध गोश्त विच गुरु नानक देव जी एक्सपर्ट ने, तो ओके, सो टॉपिक की है कि स्पिरिचुअलिटी अध्यात्मक है, परमात्मा है, रियल कर्म है, है ना। सो सिद्ध गोष्ट विच सिद्ध दूजे ने जेडे ओ भी एक्सपर्ट्स ने, ओ क्वेश्चन रखते हैं, अपना ओपीनियन रखते ने और गुरु नानक देव जी अपना ओपीनियन रखते ने। ओपीनियन नू कटदा दिखाई देता है, तो एक नवी नॉलेज उन्होंने विच ही शेयर होंदी है। नैचुरली है जिहड़ा ज़्यादा एक्सपर्ट हुंदा है उसका ओपीनियन ज़्यादा भारी वैलिड हुंदा है। सो गुरु नानक देव जी ने अपने जो रियलिटी सी उन्होंने देखी हुई सी, एहसास किया होया सी, ओ उहदे विच सामने रखते हैं। सो इस तरह एजुकेशन विच असी किसी भी विषय ते एक्सपर्ट्स नू बुला के शेयरिंग कर सकते हैं। सो डिस्कशन नहीं है, जो मूवमेंट देखिया जाती हैं सिंपोजियम डिस्कशन का ही पार्ट है। इंटरस्ट इनवेंटरी विच इंटरस्ट अपने आप से दस रहा है कि एक लिस्ट होंदी है, नॉर्मली इनवेंटरी का की मतलब है
कि एक लिस्ट हुंदी है तुसी उहदे विचों की लाइक करदे हां। इंटरस्ट इनवेंटरी हमेशा ही कि असी लाइक करदे हां ते डिसलाइक की करदे हां। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसनल कैरियर डिवेलपमेंट लई, कैरियर ओरिएंटेशन लई, कैरियर गाइडेंस लई बच्चों ते इंटरस्ट इनवेंटरी लगाई जा सकती है कि चार प्रोफेसन ने, अठ प्रोफेसन ने, उन्होंने आइटम्स ने लिस्ट है, बच्चा केड़ी नू ज़्यादा लाइक करता है, नैचुरली है कि सक्सैस की प्रोबेबिलिटी उहदे विच ज़्यादा होएगी। सो इहदा कोई साइकोमोटर ना कोई संबंध नहीं है, साफ आंसर ऑब्जरवेशनल है। नैक्सट है an approach of study in which significant emphasis is laid on engaging, जो मैं टैग बुक टैग वर्ड वालियां वीडियोज़ हैं उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड जेडे मैं बार बार एम्फेसाइज किए सी वो जो मिलते हैं मैं सर्कल कर लेना, मेरी हेल्प मैनू मिलती है राइट आंसर तक पहुँचने की। सल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ओन with their own independent effort, मैनू बड़ी जल्दी ये शब्द लै गए कि कंस्ट्रक्टिविज़म दियां मैथड्स टेक्नीक्स अप्लाई हो रही हैं, क्योंकि एंगेजमेंट ऑथेंटिक एंगेजमेंट की वो गल करते हैं और बच्चे नू लर्नर नू इंडिपेंडेंट एफर्ट करने लिए जिसनू असी कहने हाँ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच वो दिखाई देते हैं। इंस्टेड ऑफ टोल्ड, किस दी बजाए टोल्ड, टोल्ड मीन के टीचर है, इसने रेडीमेड नॉलेज है, देखो ये बच्चे नू दस दिती, वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन दी बजाए बच्चे नू इंडिपेंडेंट एफर्ट करने लिए किया गया है। देम बाय द टीचर इन टर्म एज, उसका की मतलब है, ठीक पंजाबी विच है कि सिख्यार्थियों नू अध्यापका दे बजाए सुतंत्र यत्ना नाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुण ऑप्शन की है मेरे को, आगमन विधि है, निगमन विधि है, खोज विधि है और ह्यूरिस्टिक है। हुण इंग्लिश नाल जरूर पढ़ लेना चाहिए है क्योंकि खोज का मतलब डिस्कवरी भी है, खोज का मतलब रिसर्च भी हो जाता है। हुण मेरे को जो पिछे असी समझ के आए सी डिडक्शन डिडक्टिव मैथड का की सी, असी फार्मूला डेफिनेशंस, डेफिनेशन कादे च हुंदी है टैक्सट बुक च। सो ये बिल्कुल वन वे मैथड हुंदा टैक्सट वे, डेफिनेशन वाला जिहड़ा है इत्थे डेफिनेशन बारे कोई गल नहीं है, टैक्सट बुक चो या डेफिनेशन जां बच्चा जनरल आइडियाज़ वो फाइंड आउट कर रहा है, क्योंकि जे टोल्ड हुंदा टीचर द्वारा टोल्ड जो हुंदा है वो टैक्सट बुक मैथड वांगू, डेफिनेशन वांगू, डिडक्शन वांगू वो हुंदा है, लेकिन इत्थे अजिहा कुछ नहीं है, इसलिए डिडक्शन सब तो पहला डिलीट हो जाता है। हुण साडे कोल बचदा है इंडक्टिव मैथड, इंडक्टिव मैथड नूं याद रखने लिए असीं कीता सी आई फॉर, ये भी वॉवल है और इधर एग्जाम्पल भी वॉवल है, इत्थे एग्जाम्पल लिखिया जिहदे विच सब तो पहला एग्जाम्पल दित्तियां जांदियां हन, फिर उस तो बाद जनरल कंकलूजन कढ़िया जांदा है। और ये सिर्फ यही नहीं है, एग्जाम्पल तो बाद कंकलूजन कढ़न दे विचकार एनालिसिस जरूर हुंदा है। सो इसनू विस्तार नाल फिर पढ़ांगे। सो ये कोई भी एग्जाम्पल की गल नहीं की गई, कोई एनालिसिस की गल नहीं की गई, जनरल कंकलूजन तक पहुँचन की गल नहीं की गई, इसलिए इंडक्टिव मैथड नू भी डिलीट करांगे। पर यह गल वक्री है कि डिस्कवरी लर्निंग दी अप्रोच जेडे स्टैप्स ने वो इंडक्टिव वाले ही हैं। सो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एफर्ट नाल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कवरी मैथड दे बिल्कुल नेड़े जा वजदी है। हाँ, हेरिस्टिक मैथड नू भी डिस्कवरी मैथड किया जाता है, लेकिन कुछ फर्क हेरिस्टिक ते डिस्कवरी मैथड विच हन। इत्थे भी डिस्कवरी वाली प्रोसैस बेशक अपनाई जाती है, लेकिन डिस्कवरी मैथड विच रियल लाइफ प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ते रियल एफर्ट्स नाल उसके सल्यूशन किए जाते हैं, उत्थे बच्चा अपने एफर्ट्स के नाल, हाँ टीचर हेल्प करता है, गाइड करता है, हिंट दिता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कम लर्नर ने ही करना है। जो बेसिक डिफरेंस देखना हो डिस्कवरी या प्रॉब्लम सॉल्विंग का हेरिस्टिक मैथड नाल, तो ये टैसट एंड एरर एक्सकलूजन, जिस तरह ट्रायल एंड एरर नू अप्लाई किया जाता है किसी प्रॉब्लम नू सॉल्व करने लिए हेरिस्टिक मैथड विच, उस तरह एरर नू हौली हौली डिलीट एक्सकलूड किया जाता है और उस तो बाद मैक्सिमम पॉसिबल बेस्ट
सोल्यूशन लभ्या जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग विच जां ए जो डिस्कवरी मैथड है इहदे विच नाले टाइम कंज्यूमिंग है कई 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 बारी तो वीक 10 दिन तक डिस्कवरी मैथड नाल बच्चे लर्न करते हैं किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो रियल लाइफ प्रॉब्लम होंदिया हैं इत्थे रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं है हाइपोथेटिकल या सिंबोलिक प्रॉब्लम है मैथ्स की बेस्ट एग्जाम्पल है मैथ्स विच हेरिस्टिक मैथड ज़्यादा वरत्या जाता है नैक्सट क्वेश्चन है रिमीडियल टीचर शुड डैश द करिकुलम टू अकोमोडेट टैग वर्ड जो मैं बार बार रैफर कर रहा हाँ इनकलूसिव एजुकेशन दे वीडियो विच टैग वर्ड वाले विच अकोमोडेट दे नाल मैं तीन चीज़ा तीन वर्ड दसे ने जेडे एदे सिनोनिमस जां एदे पार्ट वजो यूज़ किए जाते हैं वह है मॉडिफाई जां मॉडिफिकेशन एंड ए फॉर अकोमोडेशन ए फॉर अडैप्ट सो वो इनफॉर्मेशन एकदम मेरे माइंड विच आ गई मॉडिफिकेशन अडैप्टेशन इन तिना का मतलब है चेंज करना चेंज इन कंटेंट हो सकता है चेंज इन स्ट्रैटेजीज चेंज इन मैथड्स ऑफ टीचिंग द लर्निंग करैक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज ऑफ पीपल उपचारात्मक अध्यापक विद्यार्थियों सीखने दी विशेषतावां योग्यतावां दे अनुकूलित करना चाहिदा है ऑप्शन है साडे कोल सीधा आंसर मिल रहा है अडैप्ट मॉडिफाई भी मिल रहा है नैचुरली जे दो बोथ है राइट आंसर होएगा तीसरा अगला मैथड इस नूं सॉल्व करन दा निगलैक्ट कुछ भी नहीं करना ना ही डिसेबल्ड परसनज नूं लर्नरस नूं निगलैक्ट करना है ना ही गिफ्टड नूं ना ही नॉर्मल नूं किसे नूं भी निगलैक्ट नहीं करना दैट इज़ वाई ये नहीं हो सकता जे ये नहीं है तो नैचुरली है कि बोथ हो ही बचते ने जां इन्हां चों एक बचता है पर क्योंकि इहदा संबंध इहदे च भी चेंज 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 है ये भी साफ इंडिकेट कर रहा है कि बोथ ही राइट आंसर होगा नैक्सट क्वेश्चन है द प्रोसैस ऑफ पासिंग अ वैल्यू जजमेंट मैनू क्यों एकदम मैं रुक जाना क्योंकि जो मैं एवैल्यूएशन वाली बुक मेयरमेंट वाली भी लिखी सी तो इस बड़ी अच्छी तरह एवैल्यूएट किया है उदों की स्ट्रैटेजी हुणी तुहानू दसांगा ओवर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस वेरी गुड इन ऑफ द पीपल्स बिहेवियर इन टर्म एज उसनों की कहते हैं मेयरमेंट है इवैल्यूएशन है असैसमेंट है टेस्ट है देखो दो गल्लां हैं दो तरह ना सॉल्व हो सकता है एक तो है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज जो मेयरमेंट है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव है क्योंकि तुसी कहने हाँ बच्चे दे 70% मार्क्स आ गए क्वांटिटेटिव है न्यूमेरिकल जो होगा टेस्ट की है टेस्ट दे विच करैक्ट रोंग आंसर होंगे जिस तरह ये थोड़ा टेस्ट है TET टेस्ट है राइट तो रोंग आंसर होंगे राइट करैक्ट ऑप्शन का तुहानू एक या दो मार्क्स मिलते हैं और रोंग का जीरो मार्क्स मिल जाता है सो ये मैं क्यों दस रहा हाँ क्योंकि जो जीरो मार्क्स एक मार्क्स आ गया उदों अप्रोच केड़ी हो गई फिर क्वांटिटेटिव हो गई बहुत छोटिया छोटिया गल्लां हैं तुहानू ये मायने रखदियां हैं इन्हां नाल आंसर मिल जाते हैं जिथे मेयरमेंट है उत्थे टैसटिंग होएगी टैसटिंग नाल मेयरमेंट पॉसीबल है ईवन हाँ इनवेंट्री है स्केल है बाकी टूल्स भी ने जिन्हां नाल मेयरमेंट हुंदी है पर दोनों का संबंध की है नंबर नाल है नंबरां नाल नंबर नाल गिणती नाल है गिणती नाल गुण नाल नहीं है ठीक असैसमेंट भी ये क्वालिटेटिव हम मन्नी जा सकती है लेकिन ये ऑब्जरवेशन वांग किसी नूं असैस करना है पर साड़ियां किताबां विच नैट विच वैल्यूएशन ते असैसमेंट नूं इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है पर इसका आंसर यही क्यों है क्योंकि इवैल्यूएशन वो दसदी है वैल्यू जजमेंट मीन मैं पिछे भी एग्जाम्पल दिती सी गन्ने दे रस वाली दिती सी चलो चाह तुसी बनाने हो चाह तो बाद नैचुरली है मेहमान आए ने तुसी टेस्ट करके थोड़ी जी देख दो ठीक बनी है गुड यार बड़ा मजा आ गया बहुत अच्छी बनी जब मेहमान कहिंदे ने बहुत अच्छी बनी है वो इवैल्यूएट करदे ने उसनू वैल्यू दे दित्ती जांदी है वैल्यू की है कि वैरी गुड है ना वैल्यू की है कि गुड वैरी नहीं है गुड वैल्यू की है एवरेज है सो सो है यार यार वेरी पुअर है यार एक्सीलेंट कुछ भी इस तरह के शब्द जिहड़े वरते ने उसनू ग्रेडिंग कर देंगे ने वो इवैल्यूएशन है इसनू याद रखने का तरीका ये लिखिया मैं इवैल्यूएशन क्योंकि जो इवैल्यूएशन मेयरमेंट असैसमेंट इन्हां च फर्क करते हाँ इस दे ये शब्द चक लेने हैं कलर बदल लेने हाँ ए वैल्यू लिखिया ही वैल्यू है ई वादू पाली है ठीक है वैल्यू जजमेंट
ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਸਟ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਵਰਡ ਹੈ, ਮਈਅਰਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਮੈਰੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸਨੇ। ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁੱਡ ਬੈਟਰ ਬੈਸਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5-7 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ 90% ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਆ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆ। ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਉਹ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਚ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਓਕੇ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ, ਲੀਨੀਅਰ, ਮਿਥੈਟਿਕਸ, ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕਿਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਕਿਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕਿਨਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ। ਆਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਇਸਦੇ ਫੀਚਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਹੈਲਪ ਇਨ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰੀਕੁਲਮ, ਹਾਂਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਨਲੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅਚੀਵਡ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਟੈਗ ਵਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਓਨਲੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਰੋਂਗ ਆਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਗਨੇਟਿਵ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਆਸਪੈਕਟ ਲਰਨਰਸ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਉਸਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕਨੋਮੀਕਲ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਈਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਟਾਈਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੋਟ ਲੈਫਟ ਟੂ ਲਰਨ ਇਸ ਓਨ ਪੇਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਐਡ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਓਨ ਪੇਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਰਨਿੰਗ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਆਂਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੋ ਟੂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 45, 45 ਪੇਜ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਯੂਅਰ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਨਾਓ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦਿਸ ਪੇਜ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਰੋਂਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਡਬੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ 'ਤੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਰੀ, ਜੇ ਆਡ ਮੈਨ ਆਊਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਡ ਮੈਨ ਆਊਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਗਜੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
स्मॉल स्टेप्स होंगे ने, एक्टिव रिस्पोंडिंग होंगी है, बच्चा एक्टिव है, कोगनेटिवली एक्टिव है, इतने याद रखना होएगा कोगनेटिवली एक्टिव है, जदों के जदों तुसी वाइगोत्स्की कोऑपरेटिव लर्निंग है उस सोशली भी एक्टिव है। इमीडिएट कन्फर्मेशन जिवें मैं हुणे दस्सिया कि तुहाडा आंसर राइट है रोंग है, सैल्फ पेसिंग अपनी गति नाल बच्चा सीख सकता है, स्टूडेंट टैसटिंग नाल नाल नॉलेज टैसट हो रही है, सो इसकी लीनियर की जो प्रिंसीपल्स हैं, लीनियर प्रोग्राम ब्रांचिंग है, मैथेटिक है, तीन टाइप है, पूछा जा सकता कि विच ऑफ द फॉलोविंग इज़ नॉट टाइप ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। नैक्सट है कि एडवांटेजिज़ कहड़े ने, देखो ऑप्शन इतों सीधिया चक्या गई ने, इंडिविजुअल डिफरेंस दे बेस है, एग्जाम्पल दे चुका हाँ, ओन पेस हो चुका है, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपोज ओनली करैक्ट रिस्पोंसिज जिवें मैं दस्या है, फीडबैक है, लिमिटेशन की ने, डिफिकल्ट है प्रोग्राम बनाना है, जोड़े डिवेलप करने हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और टीचिंग कॉम्पीटेंस टीचर की कॉम्पीटेंसी डिमांड करते हैं। ओनली कोगनेटिव ऑब्जेक्टिव इट मीनस सोशल ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव और इफ एफेक्टिव और साइकोमोटर ये वाले ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकती। टाइट शेड्यूल होने करके देखो ये ड्यू टू टाइट शेड्यूल ऑफ टाइम टेबल स्टूडेंट्स कैन नॉट लैफ्ट टू लर्न देयर ओन पेस, यही ऑप्शन चक के उदे विच पाइया हन रोंग, तो एक राइट वाली पाई है, वेरी ईजी क्वेश्चन। क्रिएटिविटी लिए कोई था नहीं है, नॉट इकनोमिकल ये भी ऑप्शन विच पाई हुई सी जी रोंग आंसर सी। डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम आंदियां हन जो टीचर ना हो, नैचुरली बच्चा खुद लगा है तो प्रॉब्लम आ सकती है। इट कैन नॉट अपलाई द प्राइमरी लैवल एंड हायर लैवल, हायर एजुकेशन से प्राइमरी लैवल से अपलाई नहीं हो सकती। नैक्सट है हू डिवेल्प द यूनीक क्लासीफिकेशन ऑडियो विजुअल ए थ्रू द कोन ऑफ एक्सपीरियंस, वैसे कोन ऑफ एक्सपीरियंस डेल्स कोन, वेरी ईजी इस क्वेश्चन के आंसर नालों डेल्स कोन राइट आंसर है। नैचुरली इसनों दूजे तरह तुम सॉल्व करना है, तो बी एफ स्किनर प्रोग्राम लर्निंग उहदे बारे असी लर्न करके आए हैं, जॉन डेवी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट है ना, सो बचदा डेल्स सीधा, वैसे पता भी होना चाहिए है कि डेल ने कौन डिवेलप किया है, उसनों देख सकते हैं इत्थे। डेल कौन तुहानू गाइड करता है कि तुहाडे टीचिंग पोटेंशियल दे राइट रोंग आंसर की हो सकते हैं। नैचुरली है कि टॉप ते जो है रीडिंग है, हेयरिंग है, इमेज नू व्यू करना है, वाच वीडियो है, इस ना 10% 20% 30% है ना, एना असी सीखते हाँ, सो जिस नाल घट सीखते हाँ साडे अंदर इनफोरमेशन घट रिटेन रहिंदी है। नैचुरली है कि वह पुअर मैथड होंगे लर्न करन दे, ते जदों तुहानू अजिहे क्वेश्चन आते हैं जिन्हां दे विच रीडिंग हेयरिंग व्यूइंग इमेज है ना वाचिंग वीडियो है, पर कंपैरिजन च ये वाले मैथड विच होंगे ता तुसी इना नू रोंग आंसर रोंग आंसर रोंग आंसर रोंग आंसर कहोगे। पर मान लो जेकर यह चार ऑप्शन ही पाईया हुई हैं उहदे विचों वीडियो नू वाच करना तुहाडा नंबर वन राइट आंसर बेस्ट आंसर होएगा। मान लो वाच वीडियो नहीं पाया होया, रीड हेयर व्यू इमेज है, नन ऑफ दीज होर पाया होया, तो व्यू इमेज तुहाडा बेस्ट आंसर होएगा। सो ये डेल्स कौन तुहानू पूरा गाइड कर रहा है कि किस तरह नाल असी इनफोरमेशन अपने माइंड च रिटेन रखते हाँ, जिस तरह रखते हाँ उस तरह ही उस मैथड नू बेस्ट मैथड कहा जाता है। सो इतने पुअर मैथड तो बेस्ट मैथड वल जा रहा है कौन है, सो 90% असी किदां सीखते हाँ, मॉडल रियल एक्सपीरियंस डिजाइन परफॉर्म प्रेजेंटेशन डू द रियल थिंग्स। सो ये 2023 दे पेपर दे SST पैडागोजी दे क्वेश्चन सन, इन्हां दे विच्चों ऑर्डर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन नहीं मैं शामिल किए, उन्होंने अलग एक वीडियो आ रहा है, लिंक नीचे दिता गया है, देख सकते हो, उहदे विच नाल बेस या टेक्नीक जिहड़ी खुद मैं डिवेलप की है, एक चार्ट जिहड़े शब्द टैग वर्ड्स तुसी जिस तो ऑर्डर विच केड़ा स्टेप केड़े नंबर ते आ सकता है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, बेशक तुहानू उसका ज्ञान नहीं है जिहड़ा कंसैप्ट पूछा गया है जिसका ऑर्डर करन लई किया गया है। सो किसी तरह का सुजैशन होवे, फीडबैक होवे, खास करके नैगेटिव वो देख सकते हो, कोई एरिया तुसी लर्न करना चाहते हो वो नीचे कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं। लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।